हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब मुसलमान का हज उमरा अदा हो। पैसे वाले तो जाते ही हैं, गरीब मुसलमान बहुत हैं जो ज्यादा रकम होने की वजह से नहीं जा सकते। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूँ अब्दुल खादर। आइए 6 अप्रैल की देखते हैं टॉप 10 न्यूज़। माह सियाम के जुमा अलविदा के मौके पर मस्जिद अक्सा के करीब इसराइली फौज की सख्त नाकाबंदी, मुसल्लियों को रोकने की हर मुमकिन कोशिश, मुसल्लियों पर ड्रोन के जरिए फेंके गैस बम, बरसाए आंसू गैस के गोले, मुतादिद नमाजी जख्मी। बावजूद इसके इसराइली बंदिशों को तोड़ 1,00,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में अदा की नमाज जुमा। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकिन ने इसराइल को दिया वाज़ह पैगाम, कहा गजा की सूरत हाल पर इसराइली पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई तो अमेरिका बदल सकता है पॉलिसी। सदर जो बाइडन ने भी नेतन्याहू को बताया गजा में मजमूई इंसानी सूरत हाल नाकाबिले कबूल, अहल गजा को इमदाद की शदीद ज़रूरत। दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने किया बड़ा ऐलान, दुबई में 20 साल तक मजहबी खिदमात अंजाम देने वाले इमाम हजरात और उलमा इकराम को इनामात से नवाजा जाएगा। पहली बार इन्हें दुबई का अहम तरीन गोल्डन वीज़ा भी किया जाएगा पेश। गोल्डन वीज़ा दुबई में तवील मुद्दत तक रहने का इजाज़त नामा। बेंगलोर के रामेश्वरम कैफे में 1 मार्च को हुए धमाके केस में NIA की बड़ी कार्रवाई, BJP कारकुन साई प्रसाद को किया गिरफ्तार। कांग्रेस ने धमाका केस में BJP कारकुन की हिरासत पर BJP को बनाया निशाना, पूछा BJP का दहशतगर्दाना वाकयात से ताल्लुक़ क्यों। मरकज़ में बरसर इख्तदार भारतीय जनता पार्टी की आज 45वीं यौम तासीस, PM नरेंद्र मोदी ने BJP के यौम तासीस पर पार्टी कारकुनों को दी मुबारकबाद, मुल्क की आवाम को दिया पैगाम, कहा BJP मुल्क की सबसे पसंदीदा पार्टी, उम्मीद है लोग एक और देंगे मौका। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने मरकज की मोदी हुकूमत पर जमकर की तनकीद, कहा हमारा मुल्क 10 साल से एक ऐसी हुकूमत के हवाले है जिसने महंगाई व बेरोज़गारी के अलावा कुछ नहीं दिया, आवाम और आम लोगों पर किया जुल्म, आइन को बदलने की हो रही साजिश, मोदी जी जमहूरियत का वखार कर रहे मजरूह। इमाम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर शहरियत तरमीम कानून यानी CAA को लेकर BJP को बनाया निशाना, कहा CAA को NPR और NRC के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए, ये मेरी बात सच हुई साबित, BJP झूठ बोल रही, मुसलमानों को निशाना बनाना सिर्फ इनका मकसद। BJP की लोकसभा उम्मीदवार कंगना रनावत का नया शोशा, जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस को बताया मुल्क का पहला प्राइम मिनिस्टर। इस रिमार्क के बाद सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हुई कंगना। कांग्रेस लीडर सुप्रिया शिनेती ने किया तंज, कहा इन्हें हल्के में ना ले, वो भाजपा लीडरों की फहरिस्त में सबसे आगे जाएंगी। हैदराबाद समेत मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत से आवाम परेशान, हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ रहा जारिया मौसम का गर्म तरीन दिन। जुमा के रोज़ शहर में देखी गई शदीद गर्मी, चंद मकामात पर टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस किया गया रिकॉर्ड, 9 अप्रैल तक शदीद गर्मी व हीट वेव की वार्निंग। तेलंगाना के टाउन जगतियाल के RTC बस स्टेशन में चोरी की वारदात, शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापसी के दौरान एक खातून के बैग से 15 तोले तलाई जेवरात की चोरी, खातून ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत, पुलिस ने बस स्टेशन के CCTV फुटेज का किया मुआयना। ये थी टॉप 10 न्यूज़ की 10 अहम खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दीदार करें काबा और मदीने का हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ, उम्रा का फरीजा अदा करें, इंतहाई मुनासिब उम्रा पैकेजेस, हर महीना 4 ग्रुप्स रवाना होंगे। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब मुसलमान का हज उम्रा अदा हो। पैसे वाले तो जाते ही हैं, गरीब मुसलमान बहुत हैं जो ज्यादा रकम होने की वजह से नहीं जा सकते। 15 दिन का उम्रा पैकेज सिर्फ 78,000 में, जिसमें आपके लिए 350 मीटर्स की रेंज में मक्का और 150 मीटर्स की रेंज में मदीने में आरामदा ख्याम, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए तमाम खुसूसी ज्यारतें, डायरेक्ट फ्लाइट हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए अहराम, जमजम
शोल्डर बैग और हैंड बैग का फ्री गिफ्ट। इसके अलावा डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग और सऊदी दुबई के विजिट वीजा की सर्विसेज भी मौजूद है। उमरा जैसे मुकद्दस सफर का इरादा करें और आज ही तशरीफ लाएं। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, ऑपोजिट इंडियन पेट्रोल पंप, वरम गड्ढा, हैदराबाद।